मुंबई की बोरीवली पुलिस ने 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मुंबई की बोरीवली पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा बांग्लादेशियों के गिरोह के 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो मुंबई में अवैध रूप बिना वीजा पासपोर्ट के रह रहे थे। इन 17 बांग्लादेशियों के पास से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट और कई तरह के डॉक्यूमेंट बरामद किया गया है। ये सभी आरोपी भारत का फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर विदेश जाने के फिराक में थे। मुंबई पुलिस के जोन 11 के डीसीपी अजय कुमार बंसल ने बताया कि अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। एक साथ 17 बांग्लादेशी नागरिकों को बोरीवली पुलिस ने पहली बार पकड़ा है। बोरीवली पुलिस के एटीएस के अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी बोरीवली में घूम रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तीनों लोगों को हिरासत में लेकर जब जांच किया तो पता चला कि नाला सोपारा और विरार में इलाके में भी कुछ बांग्लादेशी हैं, जिसके बाद बोरीवली पुलिस ने 4 नाला सोपारा से और विरार से 10 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने टोटल 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इन बांग्लादेशियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र और भी कई डॉक्यूमेंट बनाकर ये रह रहे थे। जांच में पता चला कि इनके बीच एक आरोपी है जो बहुत पहले से भारत में रह रहा है और वह एजेंट का काम करता है। उसी ने सभी को भारत में बुलाया था, जो सभी भारत के पासपोर्ट के जरिए विदेश भेजने की तैयारी में था। हमारे बोरीवली पुलिस स्टेशन के एटीसी अधिकारियों को कल ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एलटी मार्ग बोरीवली हद में कुछ लोग जो बांग्लादेशी हैं वो घूम रहे हैं। तो जाके चेक किया तो वहां पर 3 लोगों को संशय मिले, जिनको ताबे में लिया। उन 3 लोगों को जब ताबे में लेके चौकसी किया तो ऐसा पता लगा कि वो तीनों बांग्लादेशी नागरिक और अवैध तरीके से भारत के अंदर आए हुए हैं। उन तीनों के नाम सुमन मोमिन सरदार, उमर फारूक मुला और सलमान अयूब खान, ऐसे 3 ही आरोपी थे। इनसे चौकसी करने पर ऐसा समझ में आया कि इनके साथ के कुछ लोग नाला सुपारा और विरार हद में भी हैं। तो वहां चेक करने पर नाला सुपारा से 4 और उसके बाद विरार से 10, ऐसे टोटल 17 बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध तरीके से भारत में आए थे और इन्होंने भारत के डॉक्यूमेंट्स भी कुछ फर्जी तैयार करने में इन्होंने सक्सेस प्राप्त की थी। इनको अरेस्ट किया है बोरीवली पुलिस ने। इनके पास से इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनाए हुए पासपोर्ट, आधार कार्ड, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, बांग्लादेश की करेंसी, सऊदी अरेबिया कुवैत की दिनार करेंसी, इस तरह के पैन कार्ड, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी पुलिस ने जब्त किए हैं। ये लोग मुंबई में किस तरह से आए, बांग्लादेश से इंडिया में आने के लिए किस तरह का रास्ता अपनाया? अभी ये इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं एग्जैक्ट रूट इन्होंने क्या लिया। इनमें से एक व्यक्ति सलमान अयूब खान, वो शायद ज्यादा टाइम से यह है यहाँ पर ऐसा, और एजेंट का भी काम करता है ऐसा अभी तक इन्वेस्टिगेशन में दिख रहा है, और बाकी लोगों को उसी ने यहाँ पर आने में मदद किया है। ये जो 17 जन, क्या 17 जन है, 17 जन से ज्यादा भी है जो इस तरह का जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए, इनमें कौन से लोग हैं जो इनका सहयोग कर रहे हैं? अभी ये सब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ से बने हैं, किधर से इशू हुआ है या उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अभी कल ही अरेस्ट किया है। बट 17 लोग अभी तक हमने पकड़े हैं, आगे का इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं इसके अंदर।